Hey everyone, welcome back to my another video. And if you're new to my channel, hi, my name is Chitali Rotelain. Welcome. So guys, आज आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसके बस चार रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन ये है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है. सेकेंड कि आपका हेयर लॉस हो रहा है. तीसरा रीजन ये है कि आप बस अपने बालों की हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं. और चौथा रीजन ये है कि आप यहाँ बस मुझे देखने आए हैं. तो चारों में से आज कोई भी रीजन है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिससे हम अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं बस डेली लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस ला के. तो इससे पहले आप वीडियो को आगे स्किप करें, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस. हाँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा सेम साउंड करते हैं, बट बिलीव मी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जो हेयर फॉल होता है हमारा, इट इज़ नॉर्मल, मतलब कि हाँ, हमारे सबके बाल टूटते हैं. एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, या हमारी हेरिडिटी की वजह से, या फिर हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. बट जो हमारा हेयर लॉस होता है, इट इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल. इसमें क्या होता है, हमारे बंच बंच में बाल टूटते हैं, एंड ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है. इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइलिंग करते हैं. तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि जो कि हेयर लॉस कहलाता है, तो आपको एक डॉक्टर को देखना चाहिए. सो आज हम करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में बात, कि कैसे कैसे आप घर पे छोटी मोटी चीज़ें करके अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ यूजिंग ऑफ टू मैनी केमिकल्स. आजकल क्या होता है, हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, कोई भी कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं, तो इट इज़ नॉट राइट. हम सबका स्कैल्प अलग होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है, तो हम सबको अलग अलग टाइप के यूज़ करने चाहिए. जैसे कि अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आपको ओवर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही ड्राई है. एंड अगर आप ओवर वॉश करेंगे तो आपके बाल वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो टूट जाएंगे. अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको वॉश करना चाहिए. अगर आप नहीं करोगे तो ऑयल है आपका, तो वो वैसे भी टूट जाएंगे आपके बाल. तो आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंग अपना बालों को वॉश करना चाहिए एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से DIY शैम्पू या कंडीशनर हम यूज़ कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा जो हेयर टाइप है बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, वो भी सिर्फ घर पे बैठे बैठे, तो आई मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट, तो डोंट मिस इट. एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सो द सेकंड पॉइंट इज यूजिंग ऑफ टू मैनी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स. सही में यार, जो हेयर स्ट्रेटनर होता है, हेयर कर्लर होता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं बालों को. मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा रफ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. जैसे कि मैं खुद यूज़ करती थी, स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, कर्लर तो मैंने कभी नहीं यूज़ करा, स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, बट अब मैंने सब छोड़ दिया. मैंने इम्प्रूवमेंट देखी अपने हेयर में कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि स्पेशली अगर हमारे वेट हेयर हैं, हम नहा के आए हैं और क्या करते हैं, उसको ब्लो ड्राई, चलो ब्लो ड्राई तो ठीक है, सुखा दिया, बट जो स्ट्रेटनर अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे हेयर बहुत ब्रिटल हो जाते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑयलिंग. ऑयलिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती थी, बट सीरियसली ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने हेयर के हिसाब से ऑयल सूटेबल यूज़ करो. एंड जो हमारे पिलो कवर्स होते हैं, इनको हमें चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारा जो स्वेट होता है वो एब्जॉर्ब होता है, और जब हम उस पर सोते हैं तो फिर वो सारा हमारे बालों पर लग जाता है, एंड फिर वो टूटने लग जाते हैं. थक गई, वाटर ब्रेक. सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका डाइट एंड एक्सरसाइज. जो हम खाते हैं, कहते हैं ना, वही हमारे शरीर पे लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वही सब हमारे बालों पे डिपेंड करता है कि हमारे बाल कैसे होंगे. तो आपको बहुत अच्छा खाना चाहिए, आप फ्रूट्स खाओ, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी हेल्दी सब्जी खाओ, किसी को नहीं पसंद होता बट खाओ, अगर आपको बाल अच्छे चाहिए तो खाना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा हेयर स्टाइल. हमें कभी भी टाइट बाल नहीं बांधने चाहिए. मतलब लोग होते हैं, मैं पता नहीं
कैसे बांध लेते हैं, अगर मैं बांधती हुई तो मेरे तो सर दर्द होने लग जाते हैं। लूज बाल बांधो, कंफर्टेबल बाल बांधो, क्योंकि बालों को भी सांस लेनी होती है। तो लूज बाल बांधो, और स्पेशली जब हम सोते हैं बालों को टाइट मत बांधो, ओपन भी नहीं खोलना चाहिए, बांधो हल्का सा, स्लाइटली बांधो, ब्लड सर्कुलेशन भी रुकता है एंड उससे फिर आपके बाल आप सुबह देखोगे तो टक 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 टूटे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज की डोंट एक्सपेरिमेंट विथ प्रोडक्ट्स, बहुत केमिकल्स होते हैं, बहुत कुछ मिला होता है, तो डोंट एक्सपेरिमेंट कि हाँ मार्केट में ये आया है या ये आया है, सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मत करो, दूसरों को करने दो, अपने बाल मत ख़राब करो। इससे अच्छा कुछ DIY शैम्पू, कुछ DIY कंडीशनर, ऑयल्स, सब हम घर पे बना सकते हैं अगर आप चाहते हो। जैसे मैंने DIY मास्क बताया है, आई टेल यू, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन में मैंने लिंक दे रही हूँ, उसको चेक करो। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ घर पर बनाया हुआ, एंड DIY शैम्पू कंडीशनर सब बना सकते हो, तो बाहर का अवॉइड करो प्लीज़। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं विच आई यूज़ पर्सनली एंड मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है। मतलब पहले मेरे भी हुआ करते थे हेयर फॉल, बट अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है, एंड आई होप कि आप सब भी इसको अप्लाई करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में एंड आपको भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में देखना चाहते हो, ताकि मैं उसको जल्दी से शूट करूँ, जल्दी से पोस्ट करूँ, फिर आप जल्दी से लाइक करोगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ उसको सब्सक्राइब करो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड डिसलाइक, चलो अगर नहीं अच्छी लगी तो करना वरना प्लीज मत करना, एंड हिट द बेल आइकन ताकि जैसे मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास ऐसे से पहले एक नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर।